उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी ये रिचार्जेबल होती है। प्राइमरी बैटरी जो होती है वो नॉन रिचार्जेबल होती है, सेकेंडरी बैटरी जो होती है वो रिचार्जेबल होती है। ठीक है, अब लिखो प्राइमरी बैटरी में एग्जांपल लिख दो। प्राइमरी बैटरी के लेक्लांची सेल, एल ए सॉरी एल ई सी एच एल ए एन सी एच ई लेक्लांची सेल, या मरकरी सेल दूसरा नाम है इसका। दूसरा एक और सेल है मरकरी सेल। किसका एग्जांपल है ये प्राइमरी सेल के। और ड्राई सेल, ड्राई सेल प्राइमरी सेल में आपके ड्राई सेल आते हैं। ड्राई सेल को हम लेक्लांची सेल भी कहते हैं और मरकरी सेल भी। आप लोगों ने फिजिक्स में यूज किया होंगे, एक बड़े बड़े से सेल आते थे उसके ऊपर वो लगी हुई एक व्हाइट कलर की होती थी कांच की सी, याद है कुछ? पता नहीं, हमने नहीं देखे, हमने नहीं देखा कभी भी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये जो आपने लिखा है ये लिचलान जो इसके दोनों सेल मरकरी सेल, ये ड्राई सेल जो है ना, ड्राई सेल को ही लेक्लांची सेल कहते हो। अच्छा, ड्राई सेल तो देखी है हमने। हाँ वही है। और बड़ी बड़ी होती है, मरकरी सेल होती है जो घड़ी में सेल लगाते हैं ना, बटन लगाते हैं, बटन सा जो होता है। हाँ बिल्कुल, छोटी सी घड़ी में लगती है। घड़ी में जो लगाते हैं, हाथ वाली घड़ी में लगाते हैं, वो मरकरी सेल है। और जो कानों में मशीन लगाते हैं उसमें भी ये मरकरी सेल लगाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब लिखो सेकेंडरी बैटरी में, लिखो ये रिचार्जेबल होती है। इनके एग्जाम्पल लिखो लेड स्टोरेज सेल और दूसरा है फ्यूल सेल। आप इन चार सेल को ही पढ़ोगे, लेक्लांची सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल, ये चार ही आपके सिलेबस में है। जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट फटाफट। हो गया, हो गया, हाँ हो गया। आप डालिए हेडिंग, डालिए लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल, लेक्लांची सेल में लिखिए। इन्हें हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं लिख दो। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में और वॉच में भी यूज करते हैं। वो बड़ी वाली वॉच? हाँ, अरे वो जो सेल नहीं होते, वो जो ब्लू ब्लू से ये अप्पो ओप्पो ओप्पो करते हैं जो। हाँ, वही बड़ी वाली रिमोट में जो लगती है। हाँ, 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 वो रिमोट में जो लगती है वही वाली सेल है। ठीक है, अब जो मैं वो बना रही हूँ स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या होता है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये वाला। ठीक है, इसमें यहां पर ये जो है इसकी जो वॉल होती है, ये जिंक का कंटेनर है, जिंक का। ठीक है, ये जिंक का एक कंटेनर है, डाक डाक करना है। हाँ, डाक डाक करना है। ठीक है, ये जिंक का बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, और नीचे नहीं है, नीचे डार्क नहीं है, नीचे आपका पतला ही है। ठीक है, और ये जो है डाक डाक है क्या, जिंक है? ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। ये जिंक का कंटेनर है, उस कंटेनर में ग्रेफाइट का रॉड है, ग्रेफाइट है ये। बल्कि ये जिंक का ही है, जिंक का ही बेटा, ग्रेफाइट का नहीं है, ये जिंक का ही कंटेनर है। ठीक है, अब इसके बीचों बीच ये दो रॉड है, और ये जो रॉड है ना, ये ग्रेफाइट की है, ये जो रॉड है ये ग्रेफाइट की रॉड है। ठीक है, समझ में आ गया?
और इनमें यहाँ पर हाँ यहाँ पर ये यहाँ पर एक पेस्ट भरा हुआ है। यहाँ पर क्या पेस्ट? किस चीज का बता रही हूँ मैं? यहाँ पर जो पेस्ट भरा हुआ है वो लिखो। देखो आपको याद होगा अगर हम सेल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक काला काला से निकलता है बीचों बीच, वो तो होता है ग्रेफाइट की रॉड जिसके ऊपर टुप्पी सी होती है, ठीक है। और उसके साथ में एक पेस्ट भरा होता है, वो पेस्ट भरा होता है आपका MnO2 प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस ब्लैक कार्बन पेस्ट, ब्लैक कार्बन पेस्ट, ब्लैक कार्बन पेस्ट, ठीक है। ये इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर ये तो होता है कैथोड, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना बिल्कुल नीचे वाला, ये होता है आपका जिंक, क्योंकि पूरा कंटेनर जिंक का ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ जिंक के कंटेनर में आपने कोटिंग कर दी है। और यहाँ पर ये जो है ये आपका पतला सा लेयर है जिंक का, ये काम करता है एज ए एनोड। और यहां से दोनों में को कनेक्ट कर देते हैं एक बल्ब से, ठीक है। तार से ऐसे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन होती है। अच्छा एक और चीज लिखो पहले, ये बना लिया डायग्राम आपने? मिटा दू। अब देखो सबसे पहले एक तो ये इतना ये बता दिया है कि नॉन रिचार्जेबल होता है, दूसरा इसमें जो बैटरी का जो वो होता है ना वोल्टेज, वो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है आपका 1.5 वोल्ट का, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शंस बता रही हूँ कि क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। लिखो एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है? जो जिंक का कंटेनर है वो एज ए एनोड काम कर रहा है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या होगा? Zn, और Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और Zn2 नोट कर लिया। अब आ जाओ कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? ये जो MnO2 है, ये MnO2 है ना, वो एज ए कैथोड वर्क करता है, और MnO2 में और ये NH4Cl है, यहां से निकलते हैं NH4 plus ions, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं MnOHO प्लस अमोनिया गैस निकलती है। अब देखो यहां पर जो हो रहा है, यहां पर MnO2 का ऑक्सीजन स्टेट है प्लस का 4, MnO2 का ऑक्सीजन स्टेट है प्लस का 4, और यहाँ MnOH होल 3 OHO में Mn का ऑक्सीजन स्टेट है प्लस का 3, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ पर ये NH4 प्लस जो है इसमें प्लस 1 है, और यहाँ पर क्या है? जीरो, पर क्या है? जीरो, तो यहाँ पर भी इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस आपकी किसमें होती हैं? एनोड पर और कैथोड पर, नोट करो इसमें, नोट करो, ठीक है। अब ये जो अमोनिया निकलती है ना, ये थोड़ी खतरनाक होती है, ये जो अमोनिया निकलती है ये एक्सप्लोजन करती है, हाँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ZnCl2 डाला है, यहाँ पर हमने ZnCl2 डाला है ना, तो वो ZnCl2 क्या करता है? उसके दो काम है, ZnCl2 में से Zn2 plus ions निकलते हैं और ये अमोनिया को ट्रैप करके एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिखाऊं? लिखो Zn
एनएच थ्री होल फोर टू प्लस, जेड एन एन एच थ्री होल फोर टू प्लस, इसे कहते हैं टेट्रा अमोनियम जिंक, टेट्रा अमोनियम जिंक। जिंक कॉम्प्लेक्स, बात समझ में आ गई मेरी, बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें ना इसमें होता क्या है, हमारा जो जिंक क्लोराइड है उसके दो काम है, एक तो इस अमोनिया को ट्रैप करना और दूसरा है ये कंडक्टिविटी बढ़ाता है, क्या करता है ये कंडक्टिविटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। तीसरा काम क्या है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो लिखो वर्क ऑफ यूज ऑफ जेड एन सी एल टू, यूज ऑफ जेड एन सी एल टू, पहला लिखो इट ट्रैप्स अमोनिया, इट ट्रैप्स अमोनिया अमोनिया निकल रही है ना, उस अमोनिया को ट्रैप कर लेता है। दूसरा काम है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तीसरा है टू प्रिवेंट कोरोजन बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। नहीं यार, मॉइस्चर जाता कहाँ है एब्जॉर्ब करने के बाद? बेटा पानी में, एक्चुअली जो जेड एन सी एल, कई बार आपने देखा होगा कि जो सेल होते हैं वो लीक कर जाते हैं। वो लीक कैसे करते हैं, जब आप उसे यूज नहीं करते हो ना, तो जो करंट बनता रहता है, तो जो अमोनिया अमोनियम क्लोराइड है ना, वो जिंक के कंटेनर को कोरोजन कर देता है, मतलब उसे खा जाता है, इस वजह से उसमें छेद से हो जाते हैं, ठीक है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर जाते हैं। अगर आप जो जेड एन सी एल टू यूज करते हो ना, वो उसका काम क्या है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। इसीलिए जब भी हमारा इक्विपमेंट वर्क नहीं करता ना, तो हम उस सेल को निकाल कर रख लेते हैं, अदरवाइज क्या होता है, सेल क्या करते हैं, वो लीक कर जाते हैं, क्योंकि करंट तो बनता ही रहता है। अब उस करंट का आप यूज कर रहे हो तो क्या होगा, वो करंट खराब, वो कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी और जो NH4Cl है ना, वो उस कंटेनर को खराब कर देगा, ठीक है। और क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, जिंक के साथ में हम दूसरी मेटल की कोटिंग भी कर देते हैं साथ में, ताकि वो जो शेल मजबूत हो जाए, और जब शेल मजबूत होगा तो लीकेज नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका मरकरी सेल, ये तो हो गया आपका लैकलांची सेल। अब डालो मरकरी सेल, मरकरी सेल का यूज करते हैं हम वॉचमैन और हियरिंग एड्स, जो कान में सुनने की मशीन होती है ना, उसमें हियरिंग एड्स में। इसका आउटपुट वोल्टेज होता है क्या, हियरिंग एड्स, जो कान में सुनने की मशीन नहीं होती वो है हियरिंग एड्स। इसका आउटपुट वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट, और ये भी नॉन रिचार्जेबल है, इसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो वैसा ही है जैसा कि आपका उसका था, बस इसमें कंटेनर चेंज हो जाएंगे, मतलब मेटल चेंज हो जाएगी, बस वहां पर आपने जिंक का एनोड लिया है और MnO2 और NH4 का कैथोड लिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये नोट कर लिया इतना, लिखो एट एनोड, यहाँ पर जो एनोड होता है वो होता है आपका जिंक अमलगम का, जिंक अमलगम,
इसे कहते हैं जेड एल एच जी, जिंक अम्बलगम। ठीक है, और कैथोड होता है आपका, लिखिए कैथोड होता है एच जी ओ प्लस कार्बन, और इसमें पेस्ट भरा जाता है के ओ एच प्लस जेड एन ओ का। और इस पेस्ट का काम क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं इसको, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। लिख लेना कहीं भी, ये जो पेस्ट है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। नोट कर लिया, ZNO का जो पेस्ट है वो ZNO और KOH दोनों का पेस्ट। जैसे वहां पर आपने क्या क्या पेस्ट भरा था, ZnCl2 भरा था, ब्लैक कार्बन भरा था, ये सब भरे थे ना, यहाँ पर हम KOH और ZNO का पेस्ट भरते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। हाँ, नोट कर लिया। चलो आगे लिखिए, लिखिए एट एनोड, एनोड पर क्या होगी रिएक्शन, एनोड पर होती है आपका ये जिंक, और ये जिंक क्या करता है, टू ओ एच आयंस जिंक के साथ में, ये जिंक अम्बलगम है, ठीक है, और वाटर से टू ओ एच माइनस टू ओ एच आयंस निकलते हैं, इसमें वाटर से लेता है ये एक्वस, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है जेड एन ओ प्लस एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यानी जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, यहां पर HgO इसने एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और यहां पर ये वाटर का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, ये कन्वर्ट हो जाता है Hg में प्लस 2OH माइनस में, क्योंकि यहां पर Hg इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और Hg में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखो, टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कट गए, टू ओ एच से टू ओ कट गए, ठीक है, और एच टू से एच टू ओ कट गया, तो क्या बचा ओवरऑल, जेड एन प्लस एच जी ओ एरो जेड एन ओ ZNO प्लस HG, ZNO प्लस HG, समझ में आ गई बात? हमें सारी रिएक्शंस लर्न करने पड़ेंगे बेटा। हाँ, ये रिएक्शंस तो लर्न करने, इसमें तो रिएक्शन लर्न करने के अलावा कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि क्या क्या हो रहा है, जिंक का दोनों केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और बाकी दूसरी वाली चीज का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो पहले केस में आपने MnO2 और NH4 प्लस लिया है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ठीक है, और उसे पता है आपको अमोनिया बनती है, थोड़ी सी ट्रिक में याद हो जाएगी, दो बार रिएक्शन को लिखोगे तो याद हो जाएगी। ऐसे अगली वाली रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर ZN लिया है आपने, ZN ZNO में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ HgO HG में कन्वर्ट हो रहा है, और 2OH माइनस H2O में कन्वर्ट हो रहा है, H2O 2OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन रिएक्शन को आप दो तीन बार लिखोगे ना तो ही रट जाएंगी ये रिएक्शंस, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कराना है बेटा, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी कैसी होती है, रिचार्जेबल होती है, रिचार्जेबल, ठीक है, यहां पर आप एनोड यूज करते हो पीबी और कैथोड यूज करते हो पीबीओ2 का,
अब मैं डायग्राम बनाती, आप डायग्राम देखेंगे। देखो हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में हमने एक सेल ऐसे वाला और एक सेल आपका ये भरा हुआ बिल्कुल, एक सेल खाली और एक सेल भरा हुआ, फिर एक सेल खाली और एक सेल फिर भरा हुआ, ऐसे करके छह सेल बना देना तुम लोग। मैंने तो अभी चार जगह नहीं है मेरे पास, तो मैंने चार बनाए, ऐसे करके छह सेल बना देना और इन सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दो, कालो को कालो से और सफेद को सफेद से। ये जो व्हाइट वाले सेल है इन्हें हम कहते हैं एनोड, और ये जो ब्लैक वाले सेल है इन्हें हम कहते हैं कैथोड, और इसके अंदर एक सोल्यूशन भरा हुआ है 38% डाइल्यूट H2SO4। अब ये जो एनोड है ये तो बने हुए हैं पीवी के, और ये जो कैथोड है ये बने हुए हैं PbO2 के। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट, तो हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब इसको हम एक मिनट बना लो फटाफट। ये व्हाइट व्हाइट वाले एक साथ कनेक्ट करने हैं ना सारे? हाँ, व्हाइट वाले वाले एक साथ कनेक्ट करने हैं और ब्लैक ब्लैक वाले एक साथ कनेक्ट करने हैं। हो गया। चलो अब मैं इस सेल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कैसे कर इसको, इस सेल का नाम जो है ना वो है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, देखो हमने यहां पर एनोड लिया है और ये लिया है कैथोड। एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज था, कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज था। एनोड आपका पीवी था, कैथोड आपका पीवी ओटू था, याद हो जाएगा आपकी याद। पीवी कन्वर्ट हो रहा है आपका पीवी एसओ फोर में, ठीक है, और यहां पर पीवी ओ टू भी कन्वर्ट होता है पीवी एसओ फोर में। बीच में आपने बना है H2SO4 का सोल्यूशन 38% PbSO4 का सोल्यूशन बना हुआ है आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ Pb जो है उस पर जीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ PbSO4 पर प्लस की टू है, यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ आपका Pb पर PbO2 में है प्लस की फोर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये PbSO4 पे है प्लस टू, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। अब मैं इनकी रिएक्शन लिखूंगी आप लोगों को, पहले इतना नोट करो। कर लिए। एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? पीबी ने पीबी प्लस एसओ फोर टू माइनस एरो पीवी एसओ फोर। अब ये एसओ फोर टू माइनस कहां से आए? ये आए हैं आपके H2SO4 से, फ्रॉम H2SO4 PbSO4, PV ने SO4 से एक्शन किया, PbSO4 बनाया, ये H2SO4 से आए हैं। नोट कर लो इतना। तो यहाँ पर देखो ये प्लस टू में कन्वर्ट हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स निकालो,
प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। डालिए अब इसको, अब लिखो एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या है, 10 मिनट बचे हैं हमारे पास, कैथोड पर क्या है, आपने लिया PbO2, अब ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अब इसे PbO2 को आपको कन्वर्ट करना है PbSO4 में, तो SO4 कहां से आएगा, H2SO4, हाँ SO4 2-, अब पानी भी बनेगा इसमें, अब पानी के लिए H2O में H कहां से आएगा, वो भी H प्लस से आएगी, वो भी H2SO4 से आएगा, प्लस 4H प्लस, तो यहाँ वाटर के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2- प्लस 4H प्लस एरो PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन, देखो ओवरऑल कैथोड की और एनोड की, एनोड पर SO4 है, एनोड पर SO4 है, और कैथोड पर भी SO4 है, दोनों को काट दो, दोनों को काट दो, कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को काट दो, तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन बची पीबी प्लस PbO2 प्लस, अब देखो एक मिनट, कटेंगे नहीं भाई SO4 नहीं कटेंगे, रुको SO4 मत काटो, PbSO4 तो नहीं कट रही, हाँ नहीं SO4 मत काटो, SO4 क्योंकि दोनों एक तरफ है ना, दोनों अपोजिट साइड होते हैं तो कटते हैं, अच्छा प्लस हो गए, हाँ प्लस हो गए, और देखो 2 SO4 है और 4H+ है, तो कितने हो गए 2H2SO4, छोड़ दो 2H2SO4, जोड़ दिया, एरो के बाद एनोड पर क्या बचा हमारे पास, PbSO4, और कैथोड पर भी PbSO4, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2PbSO4 प्लस 2H2 प्लस इलेक्ट्रिसिटी, बहुत या इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, याद कर लेना, प्लस और बिजली बनेगी, हम ये जो बैटरी जब चार्ज करते हो ना बैटरी बिना जब चार्ज नहीं होती, जब इस वक्त काम कर रही है लाइट आ रही है, तो ये रिएक्शन हो रही है इसमें, ये वाली कि पीवी जो है वो PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, और PbO2 भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, और बिजली बन रही है, यानी ये जो रिएक्शन है यहां से यहां जो मूव कर रही है, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का काम कर रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन हमने सिर्फ केमिकल डाली और रिएक्शन अपने आप बन रही है, अपने आप हो रही है, समझ में आ रही है, अपने आप बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हो यानी जब चार्ज करते हो उस वक्त रिएक्शन उल्टी हो जाती है, उस वक्त रिएक्शन आपकी उल्टी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हो आप तब वो पीबी और PbO2 में कन्वर्ट होती है, उस वक्त वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करती है, यहां से यहां वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करती है, और इधर से इधर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करती है। मुझे ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, आ गया, ये नहीं आई, आपने भी बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मेरी बात सुन, जब हम बिजली, जब हमारे यहाँ लाइट आ रही होती है उस वक्त हमारी जो इन्वर्टर है वो चार्ज होता है, ठीक है, तो उस वक्त रिएक्शन उल्टी वाली चलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो तब PbSO4 पीबी और PbO2 में कन्वर्ट हो रहा है, उल्टी चल रही है रिएक्शन उल्टी, और आपको याद होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते थे हम, इलेक्ट्रिसिटी देते थे तब जाके केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, और जब लाइट नहीं होती हमारे घर में तो बिजली बनती है ना, हमारे बल्ब वगैरह जलते हैं इन्वर्टर के थ्रू, इसमें क्या है केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बिजली बन रही है, तो उस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये, यानी ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, और जब बैकवर्ड आती है
तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। अब समझ में आया? यस मैम। समझ में आ गया? ठीक है, अब लास्ट टॉपिक लिखो, सेल इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अंतरिक्ष में, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना अंतरिक्ष में जाके, वहां पर जो हमारी चीजें चलती हैं, वो इसी से फ्यूल सेल से। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल में H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O प्लस एनर्जी, ये है आपका फ्यूल सेल का प्रोसेस। हम इस फ्यूल सेल को H2O2 सेल भी कहते हैं, H2-O2 सेल। कैसे बनाते हैं? हैं? पीडीएफ कैसे बनाते हैं? अब पीडीएफ में तो ये बात बताओ कि पहले पहले मैं बता दूंगी तेरे को, अलग से फोन कर लियो। दो मिनट चैनल से पूछ रहा है। प्लस हाफ O2 एरो H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है ये समझो। नोट कर लिया इतना? आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में ये दो ओपनिंग है, एक बीच में ओपनिंग है, और यहां पर आपने एक ग्रेफाइट का एक पोरस, ग्रेफाइट की पोरस प्लेट लगा दी, ये पोरस प्लेट है। यहां से आप डालोगे H2 और यहां से डालोगे O2। हमें डायरेक्ट नहीं मिलाना दोनों को, इस तरीके से रिप्रेजेंट बनाना है कि ये अलग अलग तरीके से मिले जाके, और बीच में हम डाल देते हैं NaOH का इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चाहिए, वो हम डाल देते हैं NaOH। ये जो है ना, ये है पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। पोरस ग्रेफाइट का मतलब क्या है? मतलब पोरस का मतलब है छेद वाली, और ग्रेफाइट यानी कार्बन की जो पेंसिल का नहीं होता, जो सिक्का होता है वो होती है ग्रेफाइट, तो होता है वो, उसका इलेक्ट्रोड बना दिया आपने, उसका क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड बना दिया। ये है आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट किसका, फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल का फॉर्म डायग्राम बनाने के लिए आया तो ये बनाना है हमें। नोट कर लिया? देखो इसकी रिएक्शंस बता रही हूं। देखो एट एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, H2 प्लस 2OH माइनस एरो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। एट कैथोड हाफ O2 प्लस 1 O2 है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O एरो 2OH माइनस। रिएक्शन देख लो, 2OH से 2OH कट गई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गई, यहां पर 2H2O है, यहां पर 1H2O है, तो यहां पर 1H2O बच गया। ओवर हमारे पास रिएक्शन आ गई H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O, और यही रिएक्शन मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखवाई थी आपको, और यहां बनती है एनर्जी। यहाँ पर H2 जीरो पे है और यहाँ पर प्लस 1 पे है, H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन और O2 का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। लास्ट yes, जल्दी जल्दी लिखो, भले ही मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आप लोगों के लिए। अब इसके यूज लिखो फटाफट, यूज फ्यूल सेल का यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ना ये लॉन्ग टाइम चलता है, एनर्जी प्रोवाइड बनानी है तो उसके लिए हम फ्यूल सेल का यूज करते हैं। दूसरा ये हाईली एफिशिएंट है, और तीसरा पॉल्यूशन नहीं होता इसमें। यूज मैं भेज दूंगी तुम्हें। अच्छा अब एक लास्ट टॉपिक है कोरोजन। इस कोरोजन वाले टॉपिक को आप खुद से पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, थ्योरी है बिल्कुल प्योर थ्योरी। कोरोजन क्या होता है, कैसे प्रिवेंशन करते हैं इसको,
डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। अब मैं कल से शुरू कराऊंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, और इसके आज मैं असाइनमेंट भेजूंगी, आपको असाइनमेंट सबमिट करना है मुझे,